वेल ऑफ भरौत, जिसको वेल ऑफ हेल या फिर नरक का कुआं भी कहा जाता है, एक ऐसा सिंक होल है जो कि यमन के अल महारा डेजर्ट में बना हुआ है। एंड अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी सर्कुलर एंट्रेंस है जो कि 30 मीटर वाइड है एंड 367 फीट डीप है। इसको सबसे पहले ओमन केव एक्सप्लोरेशन टीम के द्वारा खोजा गया था, जो कि अभी हाल ही में 15 सितंबर को इसके बॉटम में पहुंची है। एजेंस फ्रांस प्रेस ने इसकी कुछ फोटोज भी जारी की हैं, जिसमें कि देखने को मिलता है कि इन केव का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसमें बहुत से स्टेलागमाइट्स एंड ग्रे एंड लाइम ग्रीन कलर के केव पर्ल्स देखने को मिलते हैं, जो कि ड्रिपिंग वाटर से बनते हैं। बहुत से स्पेलियोलॉजिस्ट ने ऐसा भी कहा है कि यहाँ पे बहुत से स्नेक्स, डेड एनिमल्स भी हैं। बहुत से केव एक्सप्लोरर्स इस सिंक होल में पहले भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नोन नहीं है जो इसके बॉटम तक गया हो, क्योंकि इसके अंदर इतना कम ऑक्सीजन है और यहाँ पे लाइट और वेंटिलेशन भी बिल्कुल ही नहीं है। इस वेल ऑफ हेल से बहुत सी जुड़ी हुई कहानियाँ भी हैं, जैसे कि कहा जाता है इसको एक जिन को कैद करने के लिए भी बनाया गया था। एंड बहुत से ऐसे सुपरस्टिशन हैं जो कि बताते हैं कि जो भी इस होल के पास जाता है वो इसको सक कर लेता है। एंड बहुत से आसपास के लोगों का ऐसा भी मानना है कि इसके बारे में बात करना ही उनके लिए बहुत ही बैड लगता है।